हाय दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सब लोग कैसे हो? सोचा कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे कि आज का वीडियो मैंने बनाया। आज का प्रोग्राम है पुरी पुरी में श्री जगन्नाथ धाम। आज सुबह में उठा और प्रैक्टिस भी कर लिया 3 घंटे, और 3 घंटे के बाद जाके जॉगिंग वगैरह वो भी ख़त्म कर लिया। सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ बात भी कर लूँ तो अच्छा लगेगा। सुबह आइए, ये मेरा जो दिख रहे है तो ये मेरा रूम है। हाँ, मैं उसमें मेरा प्रैक्टिस वगैरह वो भी करता हूँ आज सुबह में। आइए देखते हैं। ये सी शार्प की तबले है, और ये बाया भी है। और ये देखिए, एफ शार्प की तबला है, और इससे देखिए, इसमें ये है डी शार्प की तबला, डी शार्प का तबला है, और ये है जी शार्प की तबला है, और ये तो डगा है। ये बायां मेरा पहला सबाया है, जब मैं तबला सिखाया करता था। अभी भी सीखता हूँ, लेकिन जब मैं पहला तबला बजाया था तो उसी समय का ये बाया है। हाँ, और सब ये है देखिए, ये हारमोनियम है मेरा, हारमोनियम भी है, और ये है ढोल ढोल वगैरह, और जो संबलपुरी वाद्य में बजाया करता था वो अभी भी बजता है, संबलपुरी ढोल है। और आइए देखते हैं, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जो, और तबले तबला भी और है, जो ई शार्प की तबला है, और वी फ्लैट की तबले भी है, वो सब भी, वो तबले तो कटक में ही होगा मेरा घर में। कटक में एक रूम भी लिए हैं, वो रूम में और भी तबले हैं। और आइए देखते हैं एक बढ़िया सी ऑर्गन, ये देखते हैं। ये ऑर्गन है एक, इसमें मैं रियाज वगैरह वो भी करता हूँ, म्यूजिक को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, क्योंकि लेकिन ये होगा हमारा दिल में जो म्यूजिक, जिसको हम कहते हैं संगीत, संगीत फ्रेंड्स। आज हम आए हैं कि प्रभु श्री जगन्नाथ धाम पुरी पुरी आए हैं, और इसमें भी हम कल से आए हैं, और आज प्रोग्राम भी है कल
कल भी प्रोग्राम था और यहाँ पे 4 दिनों की प्रोग्राम है, सो प्लीज़ आप ये वीडियो भी देखिए और आप लोग सभी को भी, आप लोगों को सादर निमंत्रण है कि आप आइए हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, तो बड़ी खुशी होगी। महाप्रभु श्री जगन्नाथ धाम 4 धाम से ये है और इस जगह का महत्व बड़े ही अलग से प्रकार के है। सो आज की सुबह से मैंने तो सोचा आप लोगों के साथ सुबह शुरू हो जाए, तो प्लीज़ आप देखिए ये जो नज़ारा है मेरे रूम के पीछे, बाहर वाला नज़ारा देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा इस सुबह का नज़ारा तो दिखे ना। हाँ अच्छा है, वाओ नाइस, सुबह हो गया फाइनली। सो देखते हैं, देखिए वो सब है, और ये मेरा रूम का आउटसाइड है, देखते हैं कितनी सुंदर सुंदर नज़ारा है, आप लोग सब तो देखते ही होंगे, शायद आपको अच्छा लगेगा। अच्छे अच्छे बिल्डिंग भी है और यहाँ पे तो देखिए और ये सब ऐसा चल रहा है। सुबह सुबह उठ के भी प्रैक्टिस वगैरह वो भी चल रहा था। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा बैग, वो तबला बैग भी है और मेरा भाई अशित भाई उनका भी कीबोर्ड्स है। हाँ ये रूम मिला है हमें रहने के लिए और यहाँ पे सुबह से प्रैक्टिस चल रहा था, अभी 2-3 घंटे प्रैक्टिस हो गया सुबह से और ऐसे ही पड़ा है सब कुछ। हाँ देखिए ये हमारा सामान है भाई, क्या आसिफ भाई क्या रूम को करके रखा है सुबह सुबह, फैन भी है ऐसे सब कुछ। इस रूम में हमें 4 दिन रहना होगा क्योंकि यही रूम है हमें मिला है रहने के लिए, अब तो प्रैक्टिस वगैरह वो भी चल रहा है। अरे दोस्तों थोड़ा बाहर का नज़ारा भी देखते हैं कैसा सुबह की नज़ारा पूरे बाहर में, घर के अंदर तो देख लिया। वाओ नाइस दोस्तों, जो हम कह रहे थे वो हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है जिस जगह पे, उसी जगह को हम आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं, वही प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग सब देखते हैं इस गेट है कितना सुंदर गेट है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये देखिए ये देखिए,
कितना अच्छा है इस प्रोग्राम, कितना बड़ा फंक्शन है। यही बगल में तो एक मंदिर है साईनाथ के, हम भी जाएंगे आज वहाँ पे भी घूम के आएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, बहुत खुशी लगेगा यहाँ पे आके। इसके यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं भाई, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे तो सब कुछ चलता रहेगा। प्रोग्राम वगैरह आप लोग सब तो देखते ही होंगे, देखिए इतना आयोजन करके, इतना सा इतना कितना बड़ा है इस आयोजन, कितना बड़ा है इस आयोजन, इसमें तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे इस गेट को थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे कितना बड़ा, कितना दूर से ये गेट को किया है, और स्टेज तो बहुत ही दूर जाना पड़ेगा इसके अंदर चलकर। आज शाम को प्रोग्राम है, आप सबको प्यार।